उद्धार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो इस वक्त मैं हूँ संबोधि बौद्ध विहार करेरा पर। दरअसल यहाँ पर जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का 63वां परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। कुछ महिलाएं जो अपने गीत के माध्यम से बाबा साहब को याद कर रही हैं, कैंडल मार्च वगैरह किया जा रहा है। तो चलिए मैं विस्तार से दिखाता हूँ कि किस प्रकार का जो यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। श्रद्धांजलि कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब। आज के दिन 6 सितंबर को इस देश पर निर्माण हो गया था और एक बहुत दुखद घटना हुई थी इस दिन। इसलिए हम सभी लोगों को आज इस दिन के लिए बड़े शांति रूप से स्वर्ण रूप से मनाना है और इससे याद करते हुए 2 मिनट के लिए हम सभी लोग मौन धारण करेंगे और बाबा साहब को याद करेंगे। बाबा साहब की जो पुस्तकें लिखी गई उनका अध्ययन जरूर करें। बाबा साहब की आत्मा वहाँ पुस्तकों में बसती है और उनको पढ़कर भी आपके अंदर ऑटोमेटिक ऐसी शक्ति जागेगी, आपको महसूस होगा कि हाँ बाबा साहब ने हमें वास्तव में कुछ शक्ति दी है। जो कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। जिन लोगों ने उनको पढ़ा है उनके पास आज आप बैठ के देखे, उनसे बात करें, उनके पास ऑटोमेटिक शक्ति का आवास होता है। इसलिए इतने से बात कर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। चल रहा है लेकिन अंधेरा होने के कारण वीडियो जो और मैं नहीं बना पाऊंगा। आशा करता हूँ अब तक का जो मैंने वीडियो आपको बताया वो आपको पसंद आया होगा और वीडियो यदि पसंद आया हो तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और अपना एक कीमती लाइक और कमेंट देकर मेरे हौसले को जरूर बुलंद करें। तो धन्यवाद, आज आपने वीडियो देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए करते रहिए हमें सपोर्ट।